पहले जो है वो किसी छोटे बच्चे की 2 साल 2.5 साल के वो बच्चा खोद दिया गया पैरों के नीचे और उसकी मौत हो गई। घटना स्थल पर मौजूद है, जांच कमेटियां हर घटना के बाद बनाई जाती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लोगों के कंघे जो थे वो पड़े हुए हैं, बैग जो है वो लेकर जो लोग आए थे, महिलाओं का सामान देखिए आप कैसा कितना जो है वो झोला, यहाँ पर लोग टिफिन लेकर रोटियां खाने के लिए लेकर आए थे, आपको दिखाएंगे किस तरह से इसमें अभी भी खाना जो है वो बना हुआ है, रखा हुआ है खाना, हालांकि सड़ गया, रोटियां लेकर, अचार और रोटी लोग लेकर प्रवचन सुनने के लिए आए थे बाबा का। और प्रशासन का निकम्मापन कहा जाए या और कुछ कहा जाए कि यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। नीचे कुछ चिंते रहे हो सुना रहे हो फिर सबसे ज्यादा मौतें हो गई, तो ये इस तरह की तस्वीरें यहाँ घटना स्थल पर देखने के लिए मिल रही है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इन लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम की परमिशन क्यों दी, और परमिशन अगर दी तो इंतजाम नाकाफी क्यों किए, यहाँ पर पुलिस के इंतजाम क्यों नहीं किए गए। जब 50,000 की 80,000 की संख्या में लोगों को आना था तो वहाँ 2.5 लाख 3 लाख आदमी कैसे पहुँचा, ये सब सवाल बहुत बड़े सवाल हैं। हादसा छोटा नहीं है, हादसा बहुत बड़ा है, हादसे में तमाम लोग मारे गए हैं, तमाम बच्चे जो है वो अनाथ हो गए हैं, कई बच्चों के सर से बाप का साया और माँ का साया उठ गया, तो ये इसका जिम्मेदार कौन होगा। ये इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए थे जो कि खौंदे गए पैरों के नीचे, लोगों की अगर आंखों में आंसू नहीं आ जाते हैं इसको देखकर तो फिर बेकार है, उनके मन में कोई बात ही नहीं है, उनका दिल पत्थर का हो चुका है। आप देखिए कि किस तरह से ये छोटी छोटी चप्पलें हैं, ये चप्पलें जो है वो किसी छोटे बच्चे की 2 साल 2.5 साल के वो बच्चा खोद दिया गया पैरों के नीचे और उसकी मौत हो गई, 100 से ज्यादा मौतें हो गई, तो ये इस तरह की तस्वीरें यहाँ घटना स्थल पर देखने के लिए मिल रही है। इसका जवाब दे कौन है, खाली सस्पेंशन से काम चलेगा, खाली बर्खास्तगी से काम चलेगा, ये तस्वीरें बताए ना, ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये इतनी मार्मिक तस्वीरें हैं, ये बच्चों की चप्पलें हैं, देखिए कितना छोटा बच्चा रहा होगा, किसके घर का लाल रहा होगा, किसके घर का चिराग रहा होगा, और वो भी खोदा गया, उसकी चप्पलें बिखरी हुई पड़ी हुई हैं। जो सबसे भयावह तस्वीर है वो ये तस्वीर है, ये तस्वीर आप देखिए, ये दर्द बयां कर रही है तस्वीरें। इतना छोटा बच्चा, इतना छोटा बच्चा कि जिसको शीशी पिलाई जाती है वो खोदा गया होगा, आप सोचिए कि हाथों से गिरा होगा माँ के और खोदा गया होगा, ये कितना ज्यादा भावुकता वाला पल है, आप ये सोचिए कि लोगों का दिल फट जाना चाहिए ऐसी तस्वीरें देखकर। अब न जाने कहाँ किसकी लाशें पड़ी हैं, कौन सी इटावा में है, कौन सी एटा में है, कहाँ कासगंज में है, शिनाख्त तक अभी नहीं हो पाई है। सब लोग मर गए, कुचल के सब यहाँ पर देखिए बिछड़ गए, वो खोदा गया होगा, आप सोचिए कि हाथों से गिरा होगा माँ के और खोदा गया होगा।